सो हाय गाइस, वेरी वेलकम टू शिवांग पाठक व्लॉग्स। रेल यात्रियों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है। दो वंदे भारत और आज से चालू हुई हैं। पहली सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत और दूसरी चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन चालू होने से तीन राज्यों को बहुत फ़ायदा होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेन का काम वंदे भारत एक्सप्रेस करेगी। दोनों ही ट्रेनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इनॉग्रेट कर दिया गया है। पहले बात करते हैं सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत की। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम करेगी। ये तिरुपति और सिकंदराबाद के बीच में चलाई जाएगी। इन दो शहरों के बीच के सफ़र करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इससे पहले 15 जनवरी को भी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई थी। इस ट्रेन के बारे में बात करें तो ये 661 किलोमीटर की दूरी तय कर 8 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करेगी। मंगलवार के अलावा ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन की एवरेज स्पीड की बात करें तो 77.73 किलोमीटर होने वाली है। यह ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 6 बजे चलेगी और 1:30 बजे तिरुपति पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर से ट्रेन तिरुपति से 15:15 पर, यानी कि 12:03:15, 3:15 पर चलेगी और 23:45 मतलब 11:45 पर सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। और इसके फेयर की बात करें तो इसकी टिकट लगभग 1150 रुपये के आसपास रहने की संभावना है। अब बात करें दूसरी वंदे भारत ट्रेन के बारे में, तो ये चेन्नई से निकलकर कोयम्बटूर तक जाएगी। यह ट्रेन तिरुथुराई पुंडी से अगस्त्यमपल्ली तक एक DMU ट्रेन की तरह चलेगी। ये ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुवरपुर और नागापट्टिनम के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। ये चेन्नई से चलने वाली दूसरी वंदे भारत है। इससे पहले नवंबर में चेन्नई से मैसूर के बीच वंदे भारत चलाई गई थी। ये ट्रेन 6 घंटे 10 मिनट में 459 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह ट्रेन बुधवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन पटरी पर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। और वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में और भी कई रूट हैं जो संभावित हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रल हो सकता है। और बात करें वंदे भारत का क्रेज़ लोगों के बीच में, तो आप देख सकते हैं ट्रैक पर लोग खड़े हुए हैं लगातार, एक के बाद एक जितने स्टेशन से स्किप कर रहे हैं, आपको वहाँ पर लगातार ट्रेन के भक्तों की भीड़ दिख जाएगी। बहुत ही भीड़ है। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि ट्रैक पर आप खड़े ना हों, आजू बाजू से और भी ट्रेन्स आती हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। खाने पीने के लिए आपको आपके टिकट में इंक्लूडेड प्राइस मिल जाएंगी, वही आपकी होगी। और बात करें अगर ट्रेन के एक्सेलरेशन की, किसी भी वंदे भारत के ट्रेन का अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा है। ट्रेन स्टेशन से स्किप करती है और विद इन 30 सेकेंड के बीच में वो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड को पा भी लेती है। और आप देख सकते हैं अभी भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी है और उसके बाद भी आपको ट्रैक पर खड़े हुए लोग मिलेंगे। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, पुलिस वहाँ पर लगातार नज़र बनाए हुए है जिसमें कोई हादसा ना हो और लोग ट्रैक के आसपास ज़्यादा ना जाएं, तो पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वैसे भी SPG और लोकल एजेंसियाँ जो भी हैं उनके हाथ में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा दारोमदार होता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो रास्ते में कई ट्रेन स्किप करती हुई जब वंदे भारत निकलती है तो आपको खुद में भी प्राउड होता है और आपके सफ़र को, आपकी दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत का जो एक तोहफा है ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदेमंद भी हो रहा है। बट ये है, कई लोगों से ये सुनने को मिला है कि वंदे भारत जो है उसका किराया इकोनॉमिक थोड़ा सा नहीं है और थोड़ा सा कम हो सकता है। बाकी आपको स्पीड और हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ट्रेन चलती है तो इसके कारण हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो और उसी कारण उसका फेयर भी ज़्यादा है और ट्रेन से एक के बाद स्किप करती जा रही हैं। और सामने से जो ट्रेन निकल रही हैं उसके लोग भी बस वंदे भारत की वीडियो बनाने के लिए गेट से, खिड़की से, सब जगह से बिल्कुल मनाने को तैयार हैं। वंदे भारत में दो कार होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक चेयर कार। दोनों में से
आपको जस्ट डबल का अंतर होगा। चेयर कार की जो भी आपकी प्राइस होगी उससे जस्ट डबल आप मान के चलें कि वो प्राइस होगी आपकी एग्जीक्यूटिव कार की। उनका अंतर भी है, आपको रानी कमलापति न्यू दिल्ली वंदे भारत को पूरा कंप्लीट बताया है। मैं कार्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेन की एक्सेलरेशन की बात हो गई, खाने पीने की, पूरे फीचर्स जो हैं वो सब सेम है वंदे भारत में। आप मेरा वही नई दिल्ली वाला रानी कमलापति से नई दिल्ली वाला ब्लॉग देख सकते हैं, आपको उस पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब वहाँ पर ये दो वंदे भारत और चालू हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं पुल के ऊपर, घरों के ऊपर, ट्रैक्स पर, सब जगह लोग अवेलेबल हैं। और ये आपको पेंट्री कार दिख रहा है, यहाँ पर ठंडा गरम करने के लिए, चाय के लिए गरम पानी की व्यवस्था और फ्रीज़र वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर पूरा IRCTC का स्टाफ काम कर रहा है, उनके मैनेजर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो भी जहाँ से भी बोर्ड किया जाता है, तो वो सब यहाँ पर मेंटेनेंस देखा जाता है लगातार। और फ्रेश खाना बिल्कुल एकदम आपको दिया जाता है। और अब होता है वक्त आपसे विदा लेने का। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि दो चालू हो चुकी हैं, एक सिकंदराबाद से चालू हुई है और एक हुई है चेन्नई से, तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। वंदे भारत से जुड़ी हुई और जानकारियों के लिए बने रहें, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वंदे मातरम, वंदे भारत।